Hi friends, welcome back to our YouTube channel Young India Fitness Center. I am Gautam Mahato. Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, Sat Nam Jharkhandi, Johar. Dosto, aaj hum baat karenge weight gain ko leke ki aap apne sharir ka wazan ko kis tarah badha sakte hain, apne sharir ke muscle ko kaise increase kar sakte hain. Lekin dosto, maine bahut sare videos dekhe hain. सारे लोग बता रहे थे कि विदाउट सप्लीमेंट के अपने शरीर के वजन को आप गेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है. आप अपने देसी खान पान के द्वारा ही अपने शरीर के वजन को बढ़ा सकते हैं. बेसिकली आपको एक रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी और साथ ही साथ हम जो बता रहे हैं उसको आपको खाना पड़ेगा. तो दोस्तों आप बेफिक्र हो जाइए, हम आपके लिए ऐसे देसी डाइट प्लान लेके आए हैं जिसको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने शरीर का वजन को आसानी से गेन कर सकते हैं. शरीर का वेट बढ़ाना और एक सही तरीका से वेट बढ़ाना दोनों ही अलग पार्ट है. यदि आप शरीर के वेट सही तरीका से नहीं बढ़ाते हैं, खान पान पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, तो पता चलता है बॉडी का वेट बढ़ाने के चक्कर में आपका शरीर का फैट इंक्रीज हो गया है. और आपको पता ही है यदि बॉडी का फैट इंक्रीज हो जाती है तो बहुत सारे बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे गैस्ट्रिक्स, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक इत्यादि. चलते हैं दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें. दोस्तों सबसे पहले मॉर्निंग में हमें वर्कआउट करना है, अर्थात एक्सरसाइज करना है 20 से 30 मिनट. तो दोस्तों आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि एक्सरसाइज क्यों, हमें वेट लॉस नहीं करना, हमें वेट गेन करना है. वेट गेन करने के लिए एक्सरसाइज तो कंपलसरी नहीं होनी चाहिए. लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितना ही जरूरी वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज आवश्यकता होती है, उससे कहीं ज़्यादा हमें वेट गेन करने के लिए भी. क्योंकि जब हम वेट गेन करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स आपस में टूटते हैं. जब मसल्स टूटती है, जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर्स लेते हैं, तो हमारे वही मसल्स दुगुनी स्ट्रेंथ के साथ रिपेयर होना शुरू हो जाती है, अर्थात दोनों मसल्स जुड़ते हैं तो हमारे मसल्स इससे इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. तो दोस्तों एक्सरसाइज मस्ट कंपल्सरी है, तो आप एक्सरसाइज को मिस ना करें. चलते हैं दोस्तों मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद हम स्नैक्स की बात करते हैं. पहली स्नैक्स, उसमें आपको 6 से 7 बजे के बीच आपको स्नैक्स कंप्लीट कर लेना है. उसमें आपको क्या क्या लेना है, ओवरनाइट फूली हुई चना, मूंगफली के दाने, खिसमिस, मूंग के दाने, सोयाबीन के दाने, इन सारी चीज़ों को ओवरनाइट फुला के एक कटोरी आपको सेवन करना है. साथ ही साथ आप स्वीट पोटैटो, पोटैटो, मूंगफली के दाने, कच्चे दाने, बनाना और 3 से 4 ईग आपको बॉईल किया हुआ लेना है. आप चाहे तो अंडे को आप भुजी भी बना सकते हैं. मैंने इन सारी चीज़ों को इसलिए मॉर्निंग स्नैक्स में इंक्लूड किया है क्योंकि ये अच्छी कार्बोहाइड्रेट युक्त होती है, प्रोटीन युक्त होती है, साथ ही साथ आपके मूंगफली के दाने, बादाम, इन सारी चीज़ों में अच्छे गुड फैट होती है, इसलिए मैंने इनको मॉर्निंग स्नैक्स में रखा है. अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की. ब्रेकफास्ट आपका हैवी और बैलेंस डाइट होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको 9 से 10 के बीच में आपको ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेनी है. ब्रेकफास्ट में आप बटर पराठे, पराठे के साथ आप आलू की सब्जी या फिर सोयाबीन की सब्जी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप चाय भी ले सकते हैं. और तो और आप चाहे तो साबूदाने की खिचड़ी, दलिया, इन सारी चीज़ों को भी आप ले सकते हैं. ब्रेकफास्ट में भी हमने अच्छी सोर्स वाली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और साथ ही साथ गुड फैट को इंक्लूड किया है. चलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं लंच की. लंच आपको 1 से 2 बजे के बीच ले लेनी है. लंच में आपको 2 पराठे, साथ ही साथ चावल और आप सब्जी में राजमा की सब्जी, मिक्स दाल या फिर सोयाबीन की सब्जी, साथ में पनीर या फिर चिकन ले सकते हैं. मैंने भी लंच में एक अच्छी डाइट प्लान तैयार किया जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अच्छी फैट है. आप चिकन नहीं लेते हो तो आप उनकी जगह पे पनीर या फिर दही इंक्लूड कर सकते हैं. बारी आती है इवनिंग स्नैक्स की. इवनिंग स्नैक्स में आप बनाना, 3 से 4 बनाना, साथ ही साथ 4 से 5 एग्स और उसके साथ आप भुने हुए देसी घी से भुने हुए आप मखाना भी ले सकते हैं. इवनिंग में आपको एक्सरसाइज करना है. एक्सरसाइज में आप वेट लिफ्टिंग, योगा, रनिंग, पुशअप, ऐसे सारे एक्सरसाइज शामिल कर सकते हैं. दोस्तों हम जल्दी आपके लिए वेट गेन के लिए एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम ऐसे ऐसे एक्सरसाइज शामिल करेंगे जो आपको वेट गेन में आसानी होगी. यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं. और तो और आप यदि सब्सक्राइब करते हैं
तो हमें इस तरह की वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। बात करते हैं डिनर की। डिनर में आप राइस के साथ आप पनीर, चिकन, फिश इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। यदि आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर ले सकते हैं, नहीं तो आप चिकन या फिर फिश करी शामिल करें। नाइट में सोने से पहले आप एक गिलास मिल्क जरूर लें। हाँ, मिल्क को बॉईल करने से पहले 3 से 4 खजूर जरूर डाल के बॉईल करें। और मैंगो के सीजन में आप दूध और मैंगो ले सकते हैं, जो आपके वेट को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो आपको याद रखना बहुत ही कंपल्सरी है। पहला, कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, स्ट्रेस फ्री रहें। साथ ही साथ आप दिन में 4 से 5 लीटर पानी ज़रूर पिएं, और तो आप रेस्ट भरपूर मात्रा में करें, और 7 से 8 घंटे तक ज़रूर सोएं, तब भी जाके आपका वेट गेन हो सकता है। वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।